Next operator is comparison operator. Comparison operator दो operands को compare करने के लिए use होते हैं. JavaScript में various type of comparison operators होते हैं. First is equal to comparator operator. Equal to sign will compare two operands और अगर वो दोनों equal हैं तो condition is true और अगर वो दोनों equal नहीं हैं तो condition is false. ठीक है. For example हम लोग दो variables consider करते हैं x and y. x की value है 10 और y की value है 20. तो अगर हम उन्हें compare करते हैं जैसे कि x equal to y, ठीक है, then the condition is not true because x और y की values equal नहीं है. Equal to operator या comparison operator use करने के लिए हमें दो equal to sign use करने पड़ते हैं because एक equal to sign assignment operator होता है. Okay, and double equal to sign is comparison operator. Next comparison operator is not equal to. Not equal to का symbol है exclamation mark and equal to sign. ये दो operands को check करेगा कि ये equal to है या नहीं है. ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है और अगर हम यूज करते हैं x not equal to y तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, because x और y इक्वल नहीं है. नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन साइन. ग्रेटर देन साइन दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर है राइट ऑपरेंड से या नहीं. ओके, फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन y और नॉट. तो यहां पर x 10 है और y 20 है तो x ग्रेटर देन y द कंडीशन इज नॉट ट्रू. सिमिलरली लेस देन साइन ये भी चेक करेगा कि लेफ्ट साइड का ऑपरेंड राइट साइड के ऑपरेंड से लेस देन है या नहीं है. जैसे x लेस देन y इज ट्रू बिकॉज़ x 10 है और y 20 है. Next comparison operator is greater than or equal to. Greater than or equal to left side के operand को right side के operand से compare करता है और check करता है कि left side वाला operand greater है या फिर equal to है. ये case में जहाँ पर x 10 है और y 20 है हमें output में not true मिलता है because x that is 10 is not greater than or equal to 20. ठीक है, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू 20 होती तो इस केस में हमें ट्रू मिलता. सिमिलरली नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर इज लेस देन और इक्वल टू साइन. ये ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट साइड का ऑपरेंड या तो लेस देन है या इक्वल टू है राइट साइड के ऑपरेंड से. ओके, अगर ऐसा है तो द कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, जैसे हमारे केस में x इज 10 y इज 20 सो x लेस देन इक्वल टू y इज ट्रू. ये देखिए स्क्रीन पर जो स्नैपशॉट है प्रोग्राम का उसमें हमने ये सारे ऑपरेटर्स यूज किए हैं. हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेअर किए हैं और वेरियस कंपैरिजन ऑपरेटर्स उन पे अप्लाई किया है और रिजल्ट डिस्प्ले किया है. ठीक है, चलिए इसे हम लोग रन करके देखते हैं. स्क्रीन पर एक सैंपल एचटीएमएल पेज है, वहां पर स्क्रिप्ट टैग में हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेअर किए हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी. ये दो वेरिएबल्स पे हम लोग अलग-अलग कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाएंगे. तो हम लोग लेंगे किसी भी वेरिएबल में इनका रिजल्ट स्टोर करवाते हैं. जैसे वेरिएबल रिजल्ट 1 इक्वल टू, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये दोनों कंपैरिजन में इक्वल टू साइन यूज करके देखेंगे कि ए इक्वल टू बी है या नहीं है. तो रिजल्ट में क्या आएगा, अगर ए इक्वल टू बी है तो रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा. सिमिलरली हम लोग अलग-अलग ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते. रिजल्ट 1 में हमने इक्वल टू चेक किया है, यहां पर लेस देन, रिजल्ट 3 में ए ग्रेटर देन. ओके, देन नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू. अब ये सारे रिजल्ट्स को हम लोग प्रिंट करवाते हैं, document.getElement id मेथड से करवा सकते हैं.
यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज प्रिंट करवाई है, ठीक है। चलिए इसे रन करके आउटपुट देखते हैं। ये देखिए पेज को रन करने पर हमें ये आउटपुट मिलता है, ए की वैल्यू है 120, बी की वैल्यू है 210। ए इक्वल टू बी इज फॉल्स बिकॉज 120 और 210 इक्वल टू नहीं है। ए लेस देन बी, इट मीन्स 120 इज लेस देन बी, यस। सो रिजल्ट में हमें मिलता है ट्रू। ए ग्रेटर देन बी, रिजल्ट में हमें मिलेगा फॉल्स बिकॉज 120 इज नॉट ग्रेटर देन 210। सिमिलरली ए नॉट इक्वल टू बी, यस 120 एंड 210 आर नॉट इक्वल। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स। ए इज नॉट ग्रेटर देन B, that is 120 is not greater than B and 120 is not equal to B. Okay, दोनों ही condition false है तो false मिला। Okay, दोनों में से एक भी condition true है तो हमें true मिलता है। Same way, A less than equal to B, it means 120 is less than but not equal to B, but still it is less than, तो answer में हमें मिलता है true। तो ये थे हमारे comparison operators। नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। जनरली जहाँ पर भी आपको टेस्टिंग यूज करनी है आप ये ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं, x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 20। फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, ये चेक करता है कि दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो है या नहीं है। अगर दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो है तो रिजल्ट में आपको मिलेगा ट्रू। ओके, अगेन ये ऑपरेटर्स रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, जैसे यहां पर x इज 10, y इज 20, दोनों ही ऑपरेंड्स नॉन जीरो है तो हमें आंसर में मिलता है ट्रू। सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर इज लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर, इसको आप देख सकते हैं सिंबल हम लोग कैसे यूज करते हैं स्क्रीन पर। लॉजिकल और ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स को चेक करता है कि दोनों में से एक भी अगर नॉन जीरो है तो आंसर में ट्रू मिलता है। ठीक है, जैसे एक्स लॉजिकल और वाई विल गिव अस ट्रू। सपोज एक्स की वैल्यू जीरो होती, राइट, स्टिल आंसर हमें ट्रू मिलता बिकॉज वाई इज नॉन जीरो। ठीक है, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो भी आंसर हमें मिलेगा उसको रिवर्स करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल एंड को ये रिवर्स करेगा, राइट। सो एक्स एंड वाई, राइट, और उस पर अगर हम लॉजिकल नॉट अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में फॉल्स मिलता है। वाई, बिकॉज एक्स की वैल्यू है 10, वाई की वैल्यू है 20। सो एक्चुअली एक्स एंड वाई का आंसर होना चाहिए ट्रू, बट लॉजिकल नॉट के अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा फॉल्स। तो जो भी कंडीशन आती है उसको रिवर्स करता है। कंडीशन अगर ट्रू आएगी तो हमें आंसर में फॉल्स मिलता है, और कंडीशन अगर फॉल्स आएगी तो हमें आंसर में ट्रू मिलता है। ये देखिए स्क्रीन पर जो हमने सैम्पल प्रोग्राम लिया है उसमें हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। यहाँ पर हमने दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू दिया है ट्रू, या सेकेंड वेरिएबल को डाला है फॉल्स। यहाँ पर ऑलरेडी हमने ट्रू और फॉल्स लिखा है, आपको न्यूमरिक वैल्यूज भी ले सकते हैं। देन रिजल्ट में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म किए हैं, ठीक है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ओके, एंड रिजल्ट को प्रिंट करवाया है। चलिए ये प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देखते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर जो HTML पेज है उसमें हमने स्क्रिप्ट टैग में दो वेरिएबल्स लिए हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। वेरिएबल ए में हमने वैल्यू दी है ट्रू, वेरिएबल बी में हमने रखा है फॉल्स। तो अब हम ए और बी को लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कंपेयर करेंगे। सो उनका रिजल्ट हम लोग साइड बाय साइड किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पर हम इन्हें कंपेयर करेंगे ए एंड बी। तो ये कंपेयर करेगा ए और बी इक्वल टू है या नहीं है। फिर वेरिएबल यहां पर ये देखेगा कि
A or B. तो ये हुआ हमारा logical OR operator. Next, variable. यहाँ पर हम logical NOT perform करेंगे. Logical NOT exclamation mark of A and B. ओके तो जो भी रिजल्ट ए और बी का आएगा उसको वो रिवर्स करके रिजल्ट थ्री में स्टोर करेगा. ठीक है, अब हम इन्हें प्रिंट करवाते हैं. ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने प्रिंट करवाया है और अब हम इसे सेव करके रन करते हैं. पेज को रन करने पर ये आउटपुट मिलता है. ए की वैल्यू ट्रू हमने दी थी, बी की वैल्यू हमने रखी थी फॉल्स. ठीक है, ए एंड बी. ओके, A and B will give you false. Okay, because both are not true. A or B. ठीक है, A और B में आंसर आएगा true because दोनों में से एक true है. Okay, true और false की जगह आप 0 या 1 भी सेट कर सकते हो. ठीक है, then third is not operator. It means A and B की value हमें false मिलती है तो वो उसको reverse करेगा. तो logical not से हमें answer में मिलता है true. ठीक है, instead of true and false आप लोग 0 या 1 भी use करके देख सकते हैं, same answer you will get. ठीक है, तो ये थे हमारे various logical operators.